साथ किया, लेकिन जो है ये एक हादसा बता गए कि बाहर वाली ने दूसरी वाली ने किस लिए किए बात, तो ये रात रात घुमा गए। ऐसे ही हमारे एक मित्र हमारे दोस्त ने वो कहने लगे कि जुनैद भाई कल हमारे ख्वाब में हमारे दोस्त की बीवी आई थी और उनकी बीवी बोली अकेली आई होगी, मुझे कैसे पता, कहले कि तुम्हारा दोस्त मेरे ख्वाब में आया था, ये मसला चल रहा है। आइए मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद समझ जाएंगे कि इसको मैं बताना चाहता हूँ। तेरे चेहरे को मिला रंग गुलाबों वाला, आपको तो अपने आंखों से देखते बेटा इधर आ जाओ, क्या मुझे वहां अकेले बैठ के क्या सोच रही है, मैं अकेले सोचते कोई उसके साथ कोई आई बेटा आई आई देखिए किसी चीज की तकदीर के लिए आपसे बार बार ऐसा नहीं ऐसे मैं वो करूंगा जो आपसे मैं सारा मतलब लेकिन मैं कुछ बना रहे हो आप बार बार इस तरह से आप रूप में तरह हो आज अभी तो तुम्हारे दोस्त लिख रहे हो आप अकेले बैठने के लिए सोचोगे दोस्तों मैं आपको आसा शेर देखिएगा कि तेरे चेहरे को मिला रंग गुलाबों वाला है नशा तेरी निगाहों में शराबों वाला, तेरे चेहरे को मिला रंग गुलाबों वाला है नशा तेरी निगाहों में शराबों वाला, तेरे बेताब ठहर और जरा देर ठहर, तेरे बेताब ठहर और जरा देर ठहर, सिलसिला टूट ही जाएगा हिजाबों वाला, सिलसिला टूट ही जाएगा हिजाबों वाला, उनका हर नाज सलीके से उठाया जाए, उनका हर नाज सलीके से उठाया जाए, है सबक ये भी मोहब्बत की किताबों वाला, है सबक ये भी मोहब्बत की किताबों वाला। दोस्तों आपने ऐसा इस्तेमाल किया है जैसी शख्सियत आपके आपके आपसे मुतारुफ होने वाली है, आपके रूबरू होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि एक माहौल बने, यही से मुशायरा जो देखने आए तो वो देख के चले गए, जो सुनने आए थे जो वाकई साहित्य से मोहब्बत रखते हैं, जो गजल से मोहब्बत रखते हैं, जो गेसुए कविता के गिरफ्तार हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपके जज्बात को सलाम करता हूँ, आपके साहित्य को सलाम करता हूँ, मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर भरपूर अंदाज में आपने तालियों से इस्तकबाल किया तो मैं उनको बुलाऊंगा, वरना जो है मैं किसी और को बुला सकता हूँ। मैं शेर पढ़ता हूँ कि कोई झनकार है नगमा है सदा है क्या है, कोई झनकार है नगमा है सदा सदा है क्या है, तू किरण है कि कली है कि सबा है क्या है, तू किरण है कि कली है कि सबा है क्या है, तेरी आंखों में कई रंग छलकते देखे, सादगी है कि झिझक है कि हया है, तेरी आंखों में कई रंग छलकते देखे, सादगी है कि झिझक है कि हया है क्या है, रूह की प्यास बुझा देती है कुर्बत तेरी, रूह की प्यास बुझा देती है कुर्बत तेरी, रूह की प्यास बुझा देती है कुर्बत तेरी, तू कोई झील है झरना है घटा है क्या है, तू कोई झील है झरना है घटा है क्या है, नाम होठों पे तेरा आते ही रहस्य मिले, नाम होठों पे तेरा आते ही रहस्य मिले, तू तसल्ली है दिलासा है दुआ है क्या है, तसल्ली है दिलासा है दुआ है क्या है। दोस्तों आइए मैं मोहतरमा वंदना वर्मा साहब को आपकी समाप्त मोहतरमा ने जब से ही प्रोग्राम की बुनियाद डाली है, आप समझ लें दोस्तों कि प्रोग्राम या कोई तकलीफ आप घर में रखते हैं तो जब तक वो हो नहीं जाता आपको सुकून नहीं मिलता, ये सिर्फ नाजुक उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम आप अरेंज करना, सुबह शाम तक एक दूसरे को फोन करना, दूसरे की खैरियत लेना, की तारीखें लेना, साहब आप आ रहे कि नहीं आ रहे, आपके टिकट हो गए कि नहीं हो गए, जब तक सारे मेहमान आ रहे गए मैंने देखा कि इनके कदम नहीं रुके, जब सब आ गए तब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी, इनके नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए, बार-बार के उस पर जोरदार है, मोहतरमा वंदना वर्मा साहिब से दुआएं और अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें, अपने ख्याल का इजहार करें, गजल की सूरत में नज़्म की सूरत में गीत की सूरत में।
पेश कर रही हूँ। और ये पहला मुकद मेरे पिशाब की के लिए है। और मैं चाहती हूँ वो सामने आ जाए। मैंने ये पहला प्रोग्राम है जो मेरे सुन रहे हैं भाई। आप मंच पे आइए। ये ही दुनिया।